दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 6 बजे दिल्ली में थम जाएगा चुनावी प्रचार। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। गृहमंत्री अमित शाह 3 तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे 2 रोड शो। सीएम अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी भी करेंगे रोड शो। शाहीन बाग फायरिंग के आरोपी का आपका सदस्य बताने वाले डीसीपी राजेश देव के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए चुनावी संबंधी कामों पर रोक लगाई। चुनाव आयोग ने कहा डीसीपी का बयान पूरी तरह अवांछित था। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पर चुनाव प्रचार पर 24 घंटे बैन के बाद अब टेलीविजन शो में भड़काऊ बयान देने पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। आज शाम 5 बजे तक जवाब मांगा। बदरपुर से बागी आप विधायक नारायण दत्त शर्मा पर अज्ञात हमलावरों ने देर रात जानलेवा हमला किया। कहा विरोधी प्रत्याशियों ने कराया हमला, आपसे टिकट कटने पर बीएसपी से लड़ रहे हैं चुनाव। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी अक्षय कुमार सिंह की दया याचिका भी खारिज की। इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषियों को अलग अलग फांसी देने की केंद्र सरकार की अर्जी खारिज कर दी थी। केरल और पश्चिम बंगाल के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध जारी। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में संशोधन की मांग। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं में बढ़ोतरी, 2018 में 1458 मामलों के मुकाबले 2019 में पत्थरबाजी के 1999 मामले दर्ज हुए। 6 महीने से नजरबंद चल रहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन और पीडीपी नेता वाहिद पारा रिहा किए गए। तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा, रनवे से फिसले विमान के 2 टुकड़े हुए। अब तक कम से कम 3 की मौत, 170 से ज्यादा यात्री घायल। महाअभियोग के मुकदमे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत, महाअभियोग के सभी आरोपों में सीनेट ने किया बरी। और चीन में कोरोना वायरस से अब तक कम से कम 563 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 28,000 के पार हुई।